बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मिरा टीवी। आज हम मौजूद हैं यहाँ लिबर्टी मार्केट में, जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ का रश लगा हुआ है। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया गया है। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आवाम का रश लगा हुआ है और यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकले हुए इमरान खान साहब के हक में, लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक ब्लॉक की गई हुई है और हर कोई देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने आग जलाई हुई है, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। यहाँ पे इंतजार फैला हुआ है और एहतजाज कर रहे हैं लोग इमरान खान के हक में बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों ने टायर भी जलाए हुए हैं। आग आपको हमारे कैमरा मैन दिखाएंगे, यहाँ पर आग लगी हुई है और यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। हर कोई इमरान खान के हक में निकला हुआ है और लोगों का यही कहना है कि, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी जाम है और लोगों को आने जाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है, जैसे ट्रैफिक ब्लॉक की गई है। ये आपको मंजर देखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी अवैस बाबर। अच्छा, वैसा भी बताइएगा कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, मैं पाकिस्तान की खातिर आया हूँ, मैं नज़रिए पाकिस्तान की तकमील के लिए आया हूँ, मैं इमरान खान के लिए आया हूँ, मैं इस्लाम के लिए आया हूँ, मैं गरीब के लिए आया हूँ, मैं आज़ादी के लिए आया हूँ, मैं खुद मुख्तारी के लिए आया हूँ। तो आपको लगता है जो उनसे फैसला वही दुरुस्त है? जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो मैं बात करूंगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, पहली तो बात ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो तोशाखाना है, एक रूल्स और लॉ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर उसको ओबे किया जाए कोई भी बंदा 10% जमा करवा के वो जो गिफ्ट है वो ले सकता है, लेकिन इमरान खान ने 50% जमा करवाया। इससे पहले गिलानी साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, मरियम को देख लें, देख लें हीना रिबानी खार को देख लें, जितने भी लोग हैं उन्होंने वो जो गिफ्ट्स आए थे जो अपने अपने घरों में ले लिए। इवन दैन के मरियम के पास तो मैं बच्चों की तलीम के लिए आया था तो वो भी हड़प कर गई थी, तो उस पर किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। मैम, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आवाम को भी पता है, आपको भी पता है, मीडिया चैनल्स को भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए, इमरान खान की सोच को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान के नज़रिए को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपनी दनाई की वजह से इस हर हथकंडे से निकल रहा है। हालांकि इमरान खान का कोई जवाब उनके उसके पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं थी, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि वो सिविल कोर्ट में जाके इसलिए जाता कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ठीक है ना। आपने देखा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस इमरान खान के बना, पाकिस्तान की तारीख में मुझे कोई ऐसा केस दिखा दें तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ। हम तस्लीम करें या ना करें इंटरनेशनल ताकतों को क्या, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई केस नहीं है कि जिस पे इस तरह की, अगर एक सिविल जज को केस फैसला करता है तो उसके खिलाफ जो पार्टी सेशन कोर्ट में जाती है, इट मीन्स कि उसके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। सेशन कोर्ट से जो हाई कोर्ट जाती है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। तो इमरान खान ने यही कहा था ना कि इसने गलत किया, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो उसने कौन सा गलत किया था? सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब उसने, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज तक किसी ने इस्लाम की बात नहीं की, आज तक किसी ने अल्लाह के रसूल की बात नहीं की। इकवाम मतदा में जो उसने तकरीर की, उसके बाद जो भी गैर मुस्लिम ताकतें हैं और जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम ताकतों के एजेंट हैं, उनके पेट में जो है ना बल पड़ने शुरू हो गए और तब से इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना हुआ है। वो एक बंदा और सारी ताकतें एक तरफ, और ये सब पाकिस्तानी जानते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ करने वाले, एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ करने वाले आज एक पेज पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इट मीन्स कि इमरान खान सच्चा है। हाँ, और इमरान खान अब कहेगा भी ना कि अवाम बाहर ना निकले, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक खुद मख्तार पाकिस्तान कायम नहीं होगा, जब तक पाकिस्तानी अवाम को ज़ाती इमरान खान की सूरत में नहीं मिलेगी, जब तक इमरान खान की सूरत में इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा, और इमरान खान जब तक दो तहाई अक्सरियत से कामयाब नहीं होगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान। अच्छा हबीबुल्लाह खान, ये बताएं यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? इस चोर डाकू ने एक ऐसे मुखलिस ईमानदार आदमी को नाअहल करार दिया, और ये नाअहल कर सकते हैं? ये जो चोर बैठा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, ये फैसला कर सकता है? इसके फैसले को कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा इसके फैसले को, न किसी को भी नहीं मानते। हम सिर्फ इमरान खान की बात को मानेंगे। वो अभी कल दे दिए उन्होंने, अब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लोग निकल आए और इस्लामाबाद को घेरे में ले लेंगे और इन चोरों और डाकुओं को वहाँ से निकाल देंगे। इनकी जगह है बरतानिया में, वो एक चोर बैठा हुआ है, इस सारे चोरों को उधर भेज देंगे, उधर इस्लामाबाद उधर जाएंगे बरतानिया में। ये चोरों की तो जगह ही नहीं है, अब ये
सारे लोग निकल आए हैं, ये ईमानदार लोग निकल आए हैं एक ईमानदार लीडर के लिए, और पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिम का लीडर है इमरान खान। और अब सारे पूरे पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इलेक्शन हुआ और 6 सीटें कल एक आदमी ने ले ली, और 13 जमातें इकट्ठी थी, वो 13 चोरों की पार्टियाँ इकट्ठी थी, और एक ईमानदार लीडर एक तरफ था और सबको हरा दिया, सबको भगा दिया। वो ऐसे ईमानदार आदमी को ये नाहल कर सकते हैं? इनका आर्डर कोई भी नहीं मानेगा। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी अहमद हसन। अच्छा अहमद साहब, बताएं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आज जो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसने जो एक ये फोर्टीन्थ पार्टी है ये पीडीएम की, इसने जो फैसला दिया है खान साहब के नाहल करने का, पहली बात है कि इसकी ये तो आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और हम इस फैसले को बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं। हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, हम सब लोग, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और ख़ास तौर पर लास्ट वीक ही मैं आया हूँ, और मुझे जब ये पता चला तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ, और इंशाल्लाह हम जब तक ये फैसला रिवर्स नहीं होता कोर्ट से, तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, और इस मुल्क की हर जगह हर चौक को हम ब्लॉक करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद इजरार। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं आज देख ले आपके सामने इमरान, हमारी रेड लाइन को इन्होंने छेड़ा है, हम इसलिए हम एहतजाज करेंगे, आज रोडें ब्लॉक करेंगे। पूरी आवाम से गुजारिश करता हूँ सब आवाम रोड पर निकले, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सब लोग आवाम रोड पर निकले इमरान खान के हक के लिए, क्योंकि यह चोरों ने जो इमरान खान के ऊपर निज़ाम लगाया ये गलत है। खुद वो छुपे हुए हैं, उधर जाकर बाहर जाकर छुपे हुए हैं। मरियम को पासपोर्ट मिले, वो भी चली गई है अपने बाप के पास। शहबाज शरीफ है, वो भी छुपा हुआ है। राणा सनाउल्ला, मैं भी आपको कहता हूँ, आपने मुझे 25 मई को गिरफ्तार किया था, इंशाल्लाह आपकी भी बारी आएगी, हम भी आपको गिरफ्तार करेंगे। और ये चोरों के लिए एक शेर भी है, सियासत है बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ए मकतब हदारे गवारां दे हाथ विच। खुदारा इस मुल्क नु सलामत रखी, ए शीशे दा घर है लवारां दे हाथ विच। चोरों के लिए एक और शेर है, चोरों के लिए एक और शेर है कि कब तक तुम छुपोगे फूलों की हार में, कभी तो तुम मिलोगे लंडे बाजार में। एक ही लीडर है सिर्फ हमारा, इमरान खान, जो पाकिस्तान का दिल भी है, पाकिस्तान की शान भी है, पाकिस्तान की जान भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मैं जी किरण। अच्छा किरण, बताइएगा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं हालातों वाकयात? मैं हालातों वाकयात ये देख रही हूँ कि आज तमाचा मारे गया पाकिस्तानी कौम के मुँह पे, और ये हमें समझते हैं कि हम ना घर बैठ जाएंगे, जैसे वो इनका घटिया भाई भाग के गया था ना, जब उसे नायल पैनामा में किया था, चोरी करके गया था, और उसने कहा था वोट को इज़्ज़त दो, पर इनको आज तक वो शर्म ना आई। तो इमरान खान ना तो वो लीडर है, ना हम उसके वैसे सपोर्टर हैं, और मैंने ये कहती हूँ कि इनके पास और कोई किसी तरह कुछ कर नहीं सके ना, तो एक ये टेक्निकली एक बात निकाली जो कि वो भी गलत है, क्यों? सो मेरा ख्याल है मैं जिस लीडर को सपोर्ट करती हूँ, आई एम प्राउड, आई फील प्राउड कि मैं उसकी सपोर्टर हूँ, एंड वी स्टैंड विद खान टिल लास्ट ब्रीथ। ये हम कहते नहीं है करें ना शेलिंग, मारे रबर की बुलेट्स, क्या हो जाएगा? अगर इंसान की जान तो वैसे भी जानी है, अगर किसी अच्छे मकसद के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए चली जाएगी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा बहुत दूर है मेरे से, और वो मुझे कभी कभी कहता है कि मामा आप क्यों जाती हैं, और कुछ भी हो सकता है प्रोटेस्ट में। तो मैंने उसे ये कहा था कि मैं ख़ुद को बेगैरत महसूस करूंगी अगर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा ख्याल है मुझे 15-20 साल हो गए सपोर्ट करते हुए पीटीआई को और उसकी मेन स्ट्रीम में रहते हुए। सो इमरान खान जैसा लीडर ना दोबारा आ सकता है ना आएगा, वो एक हीरा है जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कुरम शहजाद। अच्छा कुरम शहजाद, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? हम हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं, जिसका विजन लेके हमारे लीडर इमरान खान लेके निकले, और उन्होंने हमें शऊर दिया है कि इन लोगों के खिलाफ जो गासिब हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो काबिज़ हैं और ग़ुलामी में हमें जकड़ रहे हैं दिन ब दिन, उनके ख़िलाफ़ हम निकले हैं, और हम ये ऐसा गैर मुनसफाना फ़ैसला जिसमें कोई हकीकत ही नहीं है, और जो सरासर हमारे लीडर और कायद को सिर्फ सैक करने के लिए उन्होंने किया है, हम उसके ख़िलाफ़ आएँ। तो क्या ये फैसला तब्दील हो जाएगा ये एहतजाज वगैरह करने से? इंशाल्लाह तब्दील होगा, और ये अवामी ताकत से हम इसे तब्दील करवाएँगे, हम फैसला करेंगे, कौम फैसला करेगी कि ये कैसे तब्दील होगा और इसे कैसे तब्दील करना। और कौन कौन से इलाके में
प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बताएंगे आप? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस्लामाबाद में हमारे पाकिस्तानियों पे, हमारे शहरियों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है इस वक्त, जो उन पे शेलिंग हो रही है, जो उनको रबेट बुलेट्स मारी जा रही हैं, उनका खून बहाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान निकले, पूरा पाकिस्तान को अपने शहरियों, अपने हकूक की हिफाजत के लिए, अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फौरन निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां तारिक महमूद मेरा नाम है जी। अच्छा सर, बताएं यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या हालात कुछ चेंज होंगे? नहीं, इंशाल्लाह चेंज होंगे। अब जब किया अभी यहाँ से बाकी पूरे लाहौर में हमने बहुत सारे मकामात पे ठोकर बंद किया हुआ है, भट्टा चौक बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद हमने की हैं, मेट्रो बंद कर दी है। बस हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि खान साहब का साथ दें, खान साहब के साथ ज्यादती की इन लोगों ने, तो फैसला तब्दील होगा। फैसला करेंगे इंशाल्लाह, इनके बड़े भी करेंगे इंशाल्लाह। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है वो बड़ी अदलिया है, इंशाल्लाह वो हमें फैसला देगी। यो कि ये तो बिके हुए थे ना, इलेक्शन कमीशन तो उनका 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 समझ लें उनका है, उन्होंने इसलिए फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमी सिजामी हो रहा है। इमरान खान के साथ वो एक सच्चा इंसान है, अमीन है, सादिक है, जो भी कुछ है खरी बात करता है, अवाम के साथ हो किसके। ये जो हमारे गवर्नमेंट के ये जो हुक्मरान बैठे हैं, इन्हें सच बर्दाश्त नहीं है, बस सब ये असल बात यही है। तो नाहल क्यों करार दे दिया गया अब? इनकी सोच के मुताबिक, इनकी नज़रों में वो नाहल है, हमारी नज़रों में नहीं है, अवाम की नज़रों में नहीं है, पूरी दुनिया की नज़रों में नहीं है। वो किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, हर मुसलमान इमरान खान इमरान खान कहेगा। इनको तो वहाँ भी जूते पड़ते हैं जहाँ ये बैठे हुए हैं, किसी मस्जिद में ये नहीं जा सकते, किसी मॉल में ये नहीं जा सकते, पीछे से चोरों चोरों की आवाज़ आती है। अभी भी इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है। आपको लगता है ये फैसला तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है? हर जगह हो रहा है, कोई भी जगह देख लें आप। हम लोग टी वी पर सुबह भी देख रहे थे, आने से पहले भी हमने यहाँ पर देखा है, हर शहर में लोग निकले हुए हैं जो इमरान खान के कहते हैं ना कि शहदाई हैं, हक में तो हैं, शहदाई हैं उसके, इमरान खान के। बिल्कुल तोशा केस के केसेस हैं, जरदारी के भी हैं, सिर्फ वहाद इमरान खान क्यों? चूँकि उनको चुपता है इमरान खान, चूँकि और उनके अलावा उनके पास हल कोई नहीं है इमरान खान का। वो वैसे इलेक्शन में तो इमरान खान को हरा नहीं सकते, उन्होंने सोचा कि माइनस वन करके तो शायद हम इलेक्शन जीत के तो दोबारा फिर हम इकतदार में आ जाइए। ये इनकी गलत फहमी है, इंशाल्लाह हम इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे इंशाल्लाह। अब हम वेट करें खान साहब की कॉल का कि खान साहब कॉल दें हम, ताकि लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद को बंद करें, इनको मन में बाहर नहीं निकले देना इस्लामाबाद में। ये राना सनाउल्लाह, ये जितने इनके चमचे खर्चे हैं ना, इन सबको हमने वहाँ वहीं अंदर ही बंद करेंगे, अंदर ही इनकी जेलें बनाएंगे वहाँ इस्लामाबाद में। अवाम को इनकलाब का मतलब बताया, वो सोशलिस्ट पार्टी जो यहाँ पे इनकलाब लाते हुए घर सर के मर गए, वो लोगों को सड़कों पर नहीं लाए, जैसे इमरान खान ने लोगों को तैयार किया कि इनकलाब क्या है, और अब इनकलाब आएगा, हम खून लेंगे या खून देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ीर। अच्छा मोहम्मद नज़ीर साहब, बताइएगा यहाँ पे आप क्या हालात हुआ, क्या देख रहे हैं? हालात यहाँ पे बहुत ख़राब हैं, जब तक इमरान खान को ऐल नहीं करते उस वक्त तक ये हालात ख़राब रहेंगे। तो आपको लगता है फैसला चेंज हो जाएगा ये आवाम के बाहर निकलने से? फैसला चेंज हो जाएगा, एक दो दिन में चेंज होगा, जाएगा सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और खान साहब ऐल हो जाएंगे। तो ये फैसला जो किया है ये क्यों किया गया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल गलत किया है, ये राजा सिकंदर सुल्तान ने जो है इंसाफ का कत्ल किया है, बिल्कुल ये गलत फैसला दिया है। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम उसामा ताहिर। अच्छा उसामा, यहाँ पे क्या करने आए हैं? जी मैं यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मैं तो अभी आपको पता है ये प्रोसेस चल रहा है, मुझे नहीं पता ये कब तक यहाँ पे लास्ट करता है, लेकिन जब तक ये लोग हैं तब तक मैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे स्टेक्स इस मुल्क में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली। तो जो ये फैसला किया गया इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो जी एक पेटी इशू था जिसको अब वो सिग्निफाई करके, तो और ये एक वो चीज़ है जिसको इमरान खान खुद पहले जो है वो फोरकास्ट कर चुके हैं। आप ये देख लें कि जब ये लोग नए नए आए थे तो वो जो मरियम औरंगजेब हैं, इनकी 2000 वाली इंटीरियर मिनिस्टर, सॉरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था जी कि एक BMW की फ़ोटोज़ दिखाई थी कि ये जी इमरान खान अपने साथ ले गया अरबों रुपए की XYZ, और वो इवेंचुअली PM हाउस में से ही निकली थी, और वो PM हाउस उसके ऑक्यूपेंट उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे। तो ये इस तरह की फैब्रिकेशंस पे बहुत अरसे से लगे हुए हैं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आयशा गुला लाई थी, नो वन रिमेंबर्स हर, उसके बाद वो आई थी इनकी जो एक्स वाइफ थी रेहम खान, जिनसे वो बुक लिखवाई गई थी, उसका कोई नहीं उनको जानता, भूल गया हुआ है। उसके बाद इस तरह से बड़े ऐसे आए हैं जब इन्होंने अटैम्प्ट करने की, सॉरी मिलान करने की अटैम्प्ट की है इमरान खान साहब को।
तो अब फिर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया जी कि ये अल्लाह ना करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई बातें की हैं कुछ तरह का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और फिर गद्दार कहा जब इमरान खान ने ये फोरकास्ट किया कि जी सबसे पहले ये जो आपकी डिस्टर्ब इकॉनमी है ये आपके डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और इवेंचुअली ये आपकी जो डेमोग्राफिक जो आपकी सोवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। और आपने फिर खुद देखा कि पता नहीं वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं, ये स्टोरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, इंटरनेट पर भी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 वॉल्यूम्स की 40,000 पेजेस की जो ट्रांजेक्शन थी जिसका डॉक्यूमेंट्री बैंक का एविडेंस था कि वो ट्रांसफ़र मैंने आपको की, आपने इनको की और इन्होंने किसी और को की, और फिर वो वापस घूम फिर के मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस होता है वो इवेंचुअली उसके बेनिफैक्टर्स जो थे वो ये शरीफ फैमिली थी, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद आपकी और नैब ने जिस तरह से आगे उसके ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल होकर खड़ा किया हो गए वो कोर्ट में जाके, कि उन्होंने उसको डिफेंड ही नहीं किया, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिए कि भाई ये हमारे पास चोर है, ये हमारे पास एविडेंस है, वो वहाँ पे बिल्कुल शन हो के खड़े हो गए। ऑब्वियसली फिर जब ऐसा होता है तो फिर जजेस जो हैं उन्होंने अब जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको सामने रख के उन्होंने डिसीजन लेना होता है और वर्डिक्ट देना होता है, और वो इनकी फेवर में गया। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? उस्मान फारूक। अच्छा उस्मान फारूक, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कुछ हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखें हमारी जान भी हाजिर है, इमरान खान साहब एक तो हमें बोल रहे हैं ठीक है ना, हमारी उनके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन ये जो भी इन्होंने किया ये बहुत गलत किया है ठीक है। ये नवाज शरीफ जो है ठीक है, इसका हम गढ़ भी जाएंगे, हमें जो भी करना पड़ा हम ना करेंगे इनके लिए ठीक है, ये बहुत गलत किया इन्होंने जो भी किया। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी गोल चक्कर के करीब जहाँ पे लोग अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे इमरान खान के खिलाफ, जो तोशाखाना रेफरेंस केस में नाहल करार दिया गया है, जिससे मुतल्लिक लोगों में गम व गुस्सा देखा गया, और लोग लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद है एहतजाज कर रहे थे जहाँ पे लोगों ने टाइल जलाकर लोगों से पूछा कि वो यहाँ पे क्या करें, लोगों ने अपनी राय बताई हमें और अपने गम व गुस्से का इजहार किया, और मेजोरिटी ने इमरान खान साहब के हक में ही बात की और उन्होंने कहा कि अगर फैसला तब्दील ना किया गया तो एहतजाज बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एहतजाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।